फिर से स्टार्ट करते हैं एडवांस ऑडिटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज़ सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड किए हैं, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उसकी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। अंकेक्षक को रिक्त पद त्याग पत्र के अतिरिक्त पर नए अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, कंपनी के संचालकों द्वारा, की साधारण सभा द्वारा, की प्रबंध संचालकों द्वारा। कहता है कि अंकेक्षक के अगर वो रिक्त पद मीन्स त्याग पत्र के अतिरिक्त जब हम नए अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं तो वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो कंपनी के जो संचालक रहते हैं उसके द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के कितने दिन के भीतर उसकी सूचना अंकेक्षक को देनी होती है? कहता है जो कंपनी का ऑडिटर रहता उसकी नियुक्ति के कितने दिन के अंदर जो हम देते हैं अंकेक्षक को सूचना देनी होती है? तो 7, 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन। तो वो कितने दिन के अंदर? 7 दिन। नेक्स्ट है, प्रथम अंकेक्षक के अतिरिक्त अनंकेक्षक को किसकी अनुमति से समय से पूर्व साधारण सभा में हटाया जा सकता है? तो प्रथम अंकेक्षक के अतिरिक्त अन्य अंकेक्षक की किसकी अनुमति से? हम संचालक मंडल की अनुमति से, केंद्र सरकार की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से, कि रजिस्ट्रार की अनुमति से? तो वो हम किसकी अनुमति से? केंद्र सरकार की अनुमति से, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, वार्षिक सभा द्वारा अंकेक्षक नियुक्त न करने पर उसकी सूचना केंद्र सरकार को न देने पर जुर्माना कितने रुपए तक का हो सकता है? 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये और कि 700 रुपये। तो वार्षिक सभा द्वारा जो अंकेक्षक की जो नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार को न देने पर जो जुर्माना कितने का लगता है? 500 रुपये का, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी व्यापारी में अंकेक्षक का अधिकार नहीं है? नहीं है पूछा है, पुस्तकें देखने का, पुस्तकें रोक कर रखने का, पारिश्रमिक लेने का, कि स्पष्टीकरण मांगने का। तो कौन सा मीन्स एकाकी व्यापार में अंकेक्षक का जो कहता है राइट्स नहीं है? तो बेसिकली वो बी हो जाएगा, पुस्तकें रोक कर रखने का। नेक्स्ट है, कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है? अगर हमें कंपनी के ऑडिटर को हटाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला है संचालक मंडल द्वारा, प्रबंध संचालक द्वारा, सी आम सभा द्वारा, कि डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक कंपनी के ऑडिटर को हटाने के लिए हमें बेसिकली उसके लिए एक आम सभा के द्वारा ही हम उसको हटा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कंपनी के अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे होता? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा, कंपनी के प्रबंध द्वारा, सभा में अंशधारियों द्वारा, नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा। तो कंपनी के अंकेक्षक का जो पारिश्रमिक निर्धारण कैसे होता है वो सभा में जो अंशधारी होते हैं उनके द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा सेवानित अंकेक्षक स्वत ही पुनः नियुक्त हो जाता है? बी है अयोग्य हो जाता है, सी है निलंबित हो जाता है, कि डी बर्खास्त हो जाता है। तो कुछ विशिष्ट, कुछ जरूरी मामलों के कारण जो अंकेक्षक स्वत ही क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता? ए समामेलित संस्था, बी कंपनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी, सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डी है 1000 रुपये से अधिक के श्रेणी पर। तो कंपनी का जो अंकेक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता बेसिकली किसके द्वारा? सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑप्शन बी सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का अधिकारी नहीं है? पुस्तक देखने का, स्पष्टीकरण मांगने का, पारिश्रमिक के लिए पुस्तक रोकने का, कि शाखा निरीक्षण करने का। तो इसमें से पूछा कि कौन सा अधिकारी नहीं है, तो अधिकारी नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिश्रमिक के लिए पुस्तक रोकने का। नेक्स्ट, अंकेक्षक को सूचना व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है कंपनी के पूर्व अंकेक्षकों से, कंपनी के अंशधारियों से, कंपनी के अधिकारियों से, कि कंपनी के संचालकों से? तो अंकेक्षक को सूचना व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार किससे है? कंपनी के अधिकारियों से है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंकेक्षक को अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य सभा में शामिल होने का अधिकार है? बी कहता केवल वार्षिक सामान्य सभा में ही शामिल होने का अधिकार है, सी कहता केवल ऐसी सभा में ही शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, और डी कहता केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभा में शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालक मंडल उससे नियंत्रित करने का निर्णय।
तो बेसिकली जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसे ऑप्शन ई हो जाएगा, अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य सभा में क्या होता है, शामिल होने का राइट्स रहता है, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अनुसार अंकेक्षक का कर्तव्य है, मीन्स कहता है अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर के क्या राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट देना, हाँ बिल्कुल सही है ये, प्रविरोध पर रिपोर्ट देना, प्रोस्पेक्टस पर रिपोर्ट देना, ये भी बात सही है, केंद्र सरकार द्वारा आदेशित विषयों में रिपोर्ट देना, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या रिपोर्ट देना, तो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अनुसार एक अंकेक्षक, एक ऑडिटर का कर्तव्य, एक राइट्स, ये तीनों होते हैं कि कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट भी देगा, प्रविवरण पर रिपोर्ट भी देना, और केंद्र सरकार द्वारा आदेशित विषयों में क्या करना, रिपोर्ट देना। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, ए स्नग्ध के मूल्य का भौतिक सत्यापन करना, बी है प्रविवरण पर रिपोर्ट देना, सी है कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट देना, डी है वैधानिक रिपोर्ट प्रमाणित करना। तो कौन सा इसमें कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं पूछा है, तो पहला हो जाएगा, अभी हमने देखा कि प्रविवरण पर रिपोर्ट देना ये इसका कर्तव्य है, कंपनी के सदस्यों को भी रिपोर्ट देना ये भी उसके कर्तव्य है, वैधानिक रिपोर्ट प्रमाणित करना ये भी उसके कर्तव्य है, लेकिन ऑप्शन ए हो जाएगा स्नग्ध के मूल्य पर भौतिक सत्यापन करना, ये एक अंकेक्षक का ड्यूटी या राइट्स नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। किस विवाद में यह निर्णय दिया गया है कि अंकेक्षक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह देखे कि उसकी नियुक्ति से संबंधित नियमों का पालन हुआ है या नहीं, बीजी दाफ्रिया बनाम एसएस कसेकर द्वारा, बी है बीएल मोहन बनाम केएलजे सत्यवादी द्वारा, सी है डाबर एंड सन्स लिमिटेड बनाम एसएम कृष्ण स्वामी द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम एआर खन्ना। तो किस विवाद में यह निर्णय लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीएल मोहन बनाम केएनजे सत्यवादी के विवाद में, ठीक है। कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपना प्रतिवेदन दे केंद्र सरकार को, कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के संचालकों की ऋण पत्रधारियों को। तो जो कंपनी का अंकेक्षक का कर्तव्य यह होता है कि अपना प्रोस्पेक्टस या अपना प्रतिवेदन वो कंपनी के संचालकों को दे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं, यह निर्णय किस विवाद में दिया गया है, तो किंगस्टन कॉटन मिल्स के द्वारा, लंदन एंड जनरल बैंक के द्वारा, आर्मीटिस बनाम विक्रम एंड नॉट के द्वारा, कि जी बनाम न्यूट्रेशनल कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो कहता है कि ऑडिटर जो होता है एक वॉच डॉग होता है, तो ये डिफिनेशन दी है और ये डिसीजन जो दिया है किसने दिया है, तो किंगस्टन कॉटन मिल्स ने दिया है। नेक्स्ट है, कंपनी के अंकेक्षक का स्पष्ट दायित्व होता है अंशधारियों के प्रति, लेनदारों के प्रति, संचालकों के प्रति और बाह्य व्यक्तियों के प्रति। तो कंपनी के जो अंकेक्षक का जो स्पष्ट जो लायबिलिटी होता है बेसिकली वो किसके पास होता है, संचालकों के प्रति, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अंकेक्षण रिपोर्ट से तात्पर्य उस प्रतिवेदन से है जिसमें एक अंकेक्षक अंतिम खातों की जांच करता है, बी है हिसाब किताब की जांच करता है, सी है अनसंलग्न प्रलेखों की जांच करता है, कि डी उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षक रिपोर्ट में मीन्स ऑडिटिंग रिपोर्ट में से तात्पर्य क्या है, जिसमें एक अंकेक्षक जो है अंतिम फाइनल अकाउंट्स की भी जांच करता है, हिसाब किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी जांच करता है, असलंग प्रलेखों की भी जांच करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंकेक्षक तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायित्व है कर्तव्य भंग के लिए, कपट के लिए, लापरवाही के लिए, कि मिथ्या कथन के लिए। तो जो अंकेक्षक जो है तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायित्व है, कब, जब कर्तव्य भंग के लिए, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक का निम्न में किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है, प्रविवरण में मिथ्या विवरण, जानबूझकर झूठा विवरण देना, लापरवाही, की डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी अंकेक्षक का जो निम्न में से है इसमें से कौन सा एक सिविल लायबिलिटी बोलता है, तो वो होता है ऑप्शन सी लापरवाही। कंपनी अंकेक्षक का दायित्व निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, न्यायालय के निर्णय, अधिनियम, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के द्वारा। तो जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसका दायित्व, उसकी लायबिलिटी किसके द्वारा निर्धारित करता है,
तो वो निर्धारित होता है कंपनी अधिनियम के द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिनियम। नेक्स्ट है, सापराध कार्यों के लिए अंकेक्षक का दायित्व निम्न में से कौन सा हो सकता है? अवैधानिक कार्य करना, कर्तव्य भंग करना, लापरवाही दिखाना कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अवैधानिक कार्य करना जो है वो कार्यों के लिए अंकेक्षक के दायित्व में से हो सकता है। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है, दीवानी दायित्व, सापराध दायित्व, अन्य पक्षों के प्रति दायित्व की उपरोक्त सभी। तो जो जानबूझकर हम कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है वो देना है सापराध दायित्व। प्रमाणन का उद्देश्य है वाउचिंग जिसे हम कहते हैं, इस पर भी वीडियोस अपलोडेड हैं कि क्या होती हैं वाउचिंग। लेखों का अधिकृत होने का ज्ञान, व्यापार से संबंधित एवं असंबंधित लेखों का ज्ञान, लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना कि डी उपरोक्त सभी। तो प्रमाणन का जो बेसिकली मेन उद्देश्य होता है कि वो लेखों का अधिकृत होने का भी ज्ञान, उसमें जो एरर्स और जो फ्रॉड्स हुए हैं उनको प्रमाणित करना। दूसरा है जो भी व्यापार से संबंधित जो संबंधित और असंबंधित सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ज्ञान, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है, ऑडिटिंग प्रोग्राम बनाया जाता है अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य हेतु, बी अंकेक्षक के आने व जाने हेतु, सी है नेतृत्व जांच हेतु की डी कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण हेतु। तो ऑडिटिंग जो प्रोग्राम बनाया जाता है बेसिकली अंकेक्षण के चरण वृद्ध कार्य हेतु बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संपत्तियों का सत्यापन तभी संभव है जबकि अंकेक्षण द्वारा पूर्णतः सभी अस्थायी व्यवों की जांच की जाए, बी है केवल भवन का मूल्यांकन कर लिया जाए, सी है क्रय किए गए माल की जाँच की जाए और संपत्तियों की जाँच की जाए। तो जब संपत्तियों हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करते हैं जब एसेट्स का, तो अंकेक्षक द्वारा बेसिकली क्या होता, वो सारे एसेट्स की जांच होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा संपत्तियों की जांच की जाए। किसी भी संस्था की महत्वपूर्ण अदृश्य संपत्ति होती है ख्याति, ऋण पत्र, भविष्य में होने वाले अनुमानित लाभ के, ईमानदारी के कर्मचारी। तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए इसमें ऐसा कौन सा है जिसे हम अदृश्य देख नहीं सकते हैं एसेट्स है, तो ख्याति जिसे हम गुडविल बोलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चे माल को दर्शाना चाहिए बाजार मूल्य पर, तैयार माल की लागत पर, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, जो भी कम हो कि लागत मूल्य पर। तो जो कच्चे माल को हमें कब दर्शाना चाहिए, जब लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो उसमें से वही रिप्रेजेंट करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्न को दायित्व के योग में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उधार क्रय का दायित्व, देनदारी के दायित्व, ऋणों पर ब्याज देने का दायित्व, संभाव्य दायित्व। तो निम्न को दायित्व के योग में सम्मिलित नहीं करना चाहिए वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा संभाव्य दायित्व सही हो जाएगा। अस्थायी संपत्तियों से आशय एक ऐसी अस्थायी संपत्तियों से है जो शीघ्र शीघ्र क्रय की जा सकती हैं, स्थानांतरित की जा सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं और नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं। हमने अपने चैनल पे कितने तरह के एसेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन सारे पे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अस्थाई संपत्तियां ऐसी एसेट्स होती हैं जिससे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं, वो होती हैं अस्थाई संपत्तियाँ, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। असनग्द का प्रभाव पड़ता है प्रारंभिक रहितिए पर, अंतिम खाते पर, लाभ हानि खाते पर कि अंशधारी पर। तो असनग्द का जो प्रभाव पड़ता है बेसिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा लाभ हानि खाते द्वारा। जो प्रारंभिक व अपलिखित नहीं हुए हैं उनको दर्शाया जाएगा तलपट में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर कि आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर। तो जो प्रारंभिक जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपलिखित नहीं हुए तो उनको हम ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक चिट्ठे में एसेट्स की साइड हम क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट है लाभ के जिस भाग को कंपनी द्वारा अंशधारियों को लाभ रूप में वितरित किया जाता है उसे कहते हैं विभाजन योग्य लाभ, लाभांश, आंतरिम लाभांश की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाभ का वो भाग जो कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स के लाभ के रूप में वितरित किया जाता है उसे हम कहते हैं विभाजन योग्य लाभ, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। किस विवाद में यह निर्णय लिया गया कि यदि कंपनी के अंतर्नियम आज्ञा देते हैं तो कंपनी के संचालक नाशवान संपत्ति के ह्रास का प्रबंध
किए बिना ही लाभांश बांट सकते हैं। ली बनाम न्यू शैक्टल एस फ्लाइट कंपनी लिमिटेड, बोल्टन बनाम नेटॉल कॉलोनाइजेशन कंपनी लिमिटेड, विल्मर बनाम मैकनमारा एंड कंपनी लिमिटेड की क्रैक्टी थॉमस बनाम क्रैक्टी। तो ये जो विवाद का निर्णय लिएगा बेसिकली पहला हो जाएगा ली बनाम न्यू शैटल एफाइल कंपनी लिमिटेड, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आई होप यू आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।